तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर हेल्थ गुरु में। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिव्य मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसका सेवन कैसे किया जाता है और इसके सेवन करने से क्या क्या लाभ होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं, सब ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यार, सबसे पहले हम जान लेते हैं दिव्य मुक्तावटी क्या है। दिव्य मुक्तावटी स्वामी रामदेव जी की देखभाल में चल रही दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवा है। दिव्य मुक्तावटी उच्च रक्तचाप के लिए एक हर्बल और प्राकृतिक उपाय है और यह शरीर के सभी भागों में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। दिव्य मुक्तावटी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए एक आयुर्वेदिक उपाय है। यह औषधि किडनी के विकारों या कोलेस्ट्रॉल, चिंता, तनाव तथा अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका सेवन कैसे किया जाता है। अगर रक्तचाप पारा 160/100 mm है तो 1 से 2 गोलियां एक दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। यह नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने से आधे घंटे पहले ली जानी चाहिए। अगर रक्तचाप पारा 140/90 mm है तो 1 से 2 गोलियां दिन में 2 बार ली जानी चाहिए। यह नाश्ते और रात के खाने से आधे घंटे पहले ली जानी चाहिए। यह ताज़ा पानी या गुनगुने गाय के दूध के साथ ली जा सकती है। धीरे धीरे इस दवा की मात्रा को कम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे रक्त दबाव कम होता है या सामान्य हो जाता है, वैसे ही दिव्य मुक्तावटी का भी सेवन बंद कर देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के लिए किसी अन्य एलोपैथिक उपचार ले रहा है तो नियंत्रित रूप से उसे रक्तचाप मॉनिटर करना चाहिए। अब दोस्तों इसके फायदों के बारे में जान लिया जाए। इस दवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उच्च रक्तचाप को कम करती है तथा नियंत्रित रखती है। उच्च रक्तचाप जैसी समस्या के लिए यह दवा एक हर्बल इलाज है। हृदय रोगों के खतरे को कम करती है। हृदय रोग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हृदय रोग का मुख्य कारण अधिक धूम्रपान और गलत खान पान है। यदि आप हार्ट अटैक, एंजाइनिया, अनियंत्रित दिल की धड़कन, हार्ट फेलियर जैसी समस्या से परेशान हैं तो आपको इस दवा का सेवन जरूर करना चाहिए तथा ये दवा अनिद्रा तथा तनाव को भी कम करती है और धीरे धीरे ख़त्म करने में मदद करती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी फायदेमंद होती है यह दवा। अब दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लिया जाए। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं तो आपको इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, त्वचा संबंधी समस्या, ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए इसका सेवन बताए गए तरीके के अनुसार करें या डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत